देखिए, कल हमको मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बेलमुड़ी गांव के पास में ढाबे के पास में एक यार्ड बना हुआ है, वहां पर कुछ ऐसे संदिग्ध बदमाश ठहरे हुए हैं और एक प्लानिंग कर रहे हैं आज रात की कि उनको नशे का सामान और पशु तस्करी करने की उनकी योजना है। इस सूचना पर कि उनके पास घातक हथियार भी हैं, तो पुलिस की टीमें बनाई गई। हमारे शहर के एडिशनल एसपी, एसीसीयू, सीएसपी चकरबाटा और भी अधिकारियों के साथ टीमें बनाई गई चारों, और चार टीमों ने दबिश दी। दबिश के दौरान वो अपराधी भागने लगे। भागने के दौरान उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली, लोडेड पिस्टल और लोडेड कट्टे थे और चाकू छुरी भी उनके पास थी। तो उसी दरमियान पुलिस ने धर दबोचा और उनके पास दो गाड़ियां थी, रिस्क और क्रेटा, और दो ट्रकें भी वहां पर खड़ी थी। जिन गाड़ियों में वो भागने का प्रयास कर रहे थे उन गाड़ियों को पकड़ा गया और उसमें एक गाड़ी में गांजा करीब 22 केजी का करीब गांजा भी बरामद हुआ है और इन हथियारों के साथ वो उन लोगों को पकड़ा गया है। उनसे प्रारंभिक तौर पर पूछताछ में ये पता चला है कि उनके द्वारा लगातार इस क्षेत्र में अपने पिछले 3-4 सालों से आकर और सक्रियता बनाई रखी गई और ऐसे अपराध किए गए हैं जिसमें कि गांजा तस्करी, पशु तस्करी, और ये लोग रहने वाले ज़्यादातर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कानपुर, यूपी के रहने वाले हैं। वहाँ पर अभी तात्कालिक तौर पे पता किया गया है। तो इनके खिलाफ़, इनमें से कई अपराधी हैं जिनके खिलाफ़ गैंगस्टर एक्ट में और मर्डर और डकैती के केस में भी इनके खिलाफ़ मामला चल रहा है वहाँ पर। तो ऐसे अपराधी जो अपने को बचाने के लिए भी और अपने अवैध आय के साधन के लिए ऐसी जगहों पर आकर ये इस तरीके का अपराध कर रहे थे और निश्चित रूप से ये घातक हथियार रखे हुए हैं। इससे कोई ना कोई बड़ी घटना हो सकती थी जिसे समय रहते पुलिस ने बहुत अपनी बहादुरी के साथ पकड़ा है और पुलिस को एक अच्छी कामयाबी मिली है। यूपी के कुख्यात आरोपी और आरोपियों के साथ इनके संबंध हैं ऐसा बताया क्या? अभी केस भी हो सकते हैं क्या? मोबाइल के हिसाब से भी और इनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। निश्चित रूप से इसमें अगर वहाँ के और भी आरोपियों से, अपराधियों से संपर्क होगा तो यूपी की पुलिस को इस संबंध में सूचित किया जाएगा और इनके खिलाफ और जो भी वहाँ के लोगों को भी खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एक इसमें विशेष तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि स्थानीय स्तर पर ये लोग कुछ लोगों को अपने साथ शामिल करते हैं जिससे कि स्थानीय हमारे जो ग्रामीण हैं, जो भोले वाले लोग हैं, वो इनका विरोध ना कर सकें, इसलिए वो स्थानीय लोगों को शामिल करते हैं और साथ ही में इन्हें संरक्षण भी मिलता है कुछ लोगों से। ऐसे लोगों को भी हम लोग अभी बेनकाब करेंगे कुछ दिन में विवेचना के करने के उपरांत। ये वेपन्स और गांजा पकड़ाया, मवेशी कितने पकड़ाए हैं? मवेशी अभी नहीं थे। ये मवेशी क्या होता है कि ये लोग रात में ये मवेशियों को उठाते हैं और फिर अपने जो पूर्व इनके जो ठिकाने हैं जहां पर कि ये इनको बेचना रहता है या जो भी इनके इनकी मॉडस ऑपरेंडी है उसके हिसाब से ये करते हैं। तो वो सब चीज़ें पूछताछ करके उसको आगे विवेचना में हम लोग करेंगे। पुलिस को अप्रिशिएट भी किया जाएगा? ज़रूर, निश्चित रूप से। हमारी जो पुलिस की टीम है एक बहुत अच्छा है। पुलिस में सबसे बेहतरीन काम ये होता है कि किसी क्राइम को होने से पहले पकड़ लिया जाना, और एक ये गंभीर अपराध होता, जबकि यदि किसी के साथ इनके साथ कोई विवाद होता है या कोई भी इनके कामों में, अवैध कामों में आड़े आता तो निश्चित रूप से ये घातक हो सकते थे। इसके पुलिस की टीम ने पकड़ा है, इन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सबके लिए मैं रिवॉर्ड की घोषणा भी करता हूँ। थैंक यू।